So, hey everyone, this is Abhimorya. Welcome back to my channel with a new video. And I know कि अपने चैनल पे बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आया है. And इसका रीज़न क्या था वो आपको इस वीडियो में पता चल जाने वाला है. So, मेरे चेहरे की खुशी एंड आपको थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो पता पड़ ही गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है. So, हाँ रियली गाइज द ड्रीम डू कम्स ट्रू फॉर मी एंड आई गेट माई फर्स्ट ड्रीम बाइक. एंड स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली जिनकी वजह से ये बाइक आज मेरे पास है. सो लेट्स अनरैप द सरप्राइज फर्स्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. सो ऑल राइट गाइज, आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में बाइक का तो एक छोटा सा झलक देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कौन सा बाइक ले रखा है. एंड फाइनली आई एम गेटिंग माई फर्स्ट ड्रीम बाइक विच इज यामाहा R15 वर्जन 3. एंड बाइक अपने पीछे ही पार्क है, देखो. सो बाइक बहुत ही खूबसूरत लग रही है यार. एंड दिस इज रेसिंग ब्लू कलर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है. एंड ये R6 से इंस्पायर्ड है. सो एक चीज़ उससे पहले मैं बता देता हूँ कि डिलीवरी का वीडियो यार क्यों नहीं आया, तो वो मैं आगे के किसी वीडियो में शेयर करूंगा आपसे. एंड अगेन आई वांट टू थैंक्स माय पेरेंट्स एंड फैमिली जिसकी वजह से ये बाइक मेरे पास आज है. एंड उससे पहले आप सिनेमेटिक्स एंजॉय करो बाइक का, उसके बाद मैं आगे के बात करता हूँ. कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि वाई आई एम चूजिंग R15 वर्जन 3 BS6. बिकॉज यार क्योंकि ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी. इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कि आप लोगों को भी बहुत भाइयों को पसंद होगा. एंड RS 200 भी बेस्ट बाइक थी इस बजट में, बट मैंने R15 वर्जन 3 को चूज किया क्योंकि ये बाइक में पावर प्लस माइलेज भी है यार. एंड मुझे R15 वर्जन 3 का लुक कुछ ज़्यादा ही पसंद था, सो आई एम चूजिंग R15 वर्जन 3. एंड RS 200 से इसमें कुछ फीचर्स भी ज़्यादा थे, लाइक इसका राइडिंग पोस्चर मेरे को ज़्यादा पसंद था क्योंकि मुझे स्पोर्टी बाइक ज़्यादा पसंद है. एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको भी स्पोर्टी बाइक पसंद हो एंड ये वाला पोस्चर आपको पसंद है, बट आई लाइक दैट पोस्चर. एंड दिस बाइक हैज अ स्लीपर क्लच जो कि RS 200 में नहीं मिलता है अपने को. एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है आपको इस बाइक में जो कि RS 200 में नहीं है. सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. सो गाइज द सेकेंड क्वेश्चन कि मैंने डार्क नाइट एडिशन क्यों नहीं लिया एंड मैंने रेसिंग ब्लू कलर ही क्यों चूज किया. भाई मैं पहले ये आपको बता देता हूँ कि मुझे भी डार्क नाइट ही पसंद था कलर जो है इसका, बट जब रेसिंग ब्लू आप सामने से देखोगे ना तो ये थोड़ा ज़्यादा आई कैची एंड कूल दिखता है. एंड फोटोज में तो ज़्यादा कूल नहीं दिखता, डार्क नाइट ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है इससे, बट जब भी आप सामने से दोनों को साथ में कंपेयर करोगे ना तो रेसिंग ब्लू आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी. एंड ये अपने बड़े भाई मीन्स R6 से इंस्पायर्ड करके BS6 वर्जन में इसका व्हील भी ब्लू कर दिया गया है, देख सकते हो आप लोग. सो गाइज आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने MT15 एंड पल्सर 220 और KTM का RC 200 की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया. बिकॉज यार KTM तो मेरे को लेना ही नहीं था एंड R15 मेरा ड्रीम था तो मैंने R15 ही चूज किया. एंड MT15 इज अ ऑल्सो गुड बाइक, बट वो एक नेकेड बाइक है एंड मेरे को चाहिए था फुल फेयरिंग बाइक, तो मैं दो तीन ही ऑप्शन रख सकता था, पल्सर 220, RS 200 एंड R15 वर्जन 3.
बट मेरे को R15 वर्जन 3 बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, एंड माइलेज भी इसकी अच्छी है, क्योंकि यार पेट्रोल का जो प्राइस है ना उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइक लेने से सिर्फ नहीं होगा ना यार, घूमना है तो पेट्रोल का प्राइस भी बहुत मायने रखता है अपने को। मिडिल क्लास फैमिली से है हम लोग, ज़्यादा भाई आपका बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, सो ये भी मैंने क्लियर कर दिया वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि अब आगे बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाला है, एंड अब आपका भाई गायब नहीं होगा चैनल से यार, अब वीडियो लगातार आएंगे, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो भाई का चैनल, एंड शेयर भी करो वीडियो जितना ज़्यादा हो सके, एंड इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ नीचे आ रहा होगा तो उधर भी मेरे को फॉलो कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट उधर जल्दी मिल जाए। एंड टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ अभी मौर्या, मिलते हैं किसी और एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय गाइज।